यूट्यूब के सभी दर्शकों का इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। कहा जाता है अधर्मी दुर्योधन को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और पांडव को नरक की, आखिर क्यों, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जब युधिष्ठिर को इस बात की जानकारी हुई कि यदुवंशियों का नाश हो गया है, तब उन्हें बहुत दुख हुआ और परीक्षित को राजा बनाकर महर्षि वेदव्यास से आज्ञा लेकर अपने सभी भाइयों और द्रौपदी के साथ स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। रास्ते में उन्हें एक श्वान से भेंट होती है। कुछ दूरी जाने के पश्चात द्रौपदी और चारों भाइयों की मृत्यु हो जाती है। उसी समय भगवान इंद्र प्रकट होते हैं और युधिष्ठिर से कहते हैं, चलो स्वर्गलोक की ओर। तब युधिष्ठिर कहते हैं, मैं स्वर्गलोक कैसे जा सकता हूँ, मेरे साथ एक श्वान है। उसी समय यमराज, जो श्वान की वेश में रहता है, प्रकट होता है और युधिष्ठिर से कहता है, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली, अब तुम स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करो। युधिष्ठिर स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करते हैं और स्वर्गलोक में दुर्योधन को देखते हैं, अपने भाइयों और द्रौपदी को नहीं पाते हैं। तब एक देवदूत उनको एक स्थान पर ले जाता है जहां दुर्गंध आती है, दुख का एहसास होता है। तब युधिष्ठिर उस दूत को भगवान इंद्र के पास भेजते हैं। भगवान इंद्र सभी देवताओं के पास, उनके पास पहुंचते हैं। वहां का वातावरण शुद्ध हो जाता है और तब इंद्र कहते हैं, मैंने तुम्हें कुछ देर के लिए नरक का एहसास कराया था, क्योंकि तुमने एक बार छल से द्रोणाचार्य की मृत्यु कराया था, जिसके कारण तुम्हें कुछ देर के लिए नरक का एहसास कराया हूँ। अब चलो स्वर्गलोक की ओर। युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों और द्रौपदी के साथ स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। रास्ते में भीम युधिष्ठिर से पूछते हैं, दुर्योधन जो हमेशा अधर्म की राह पर चल रहा था, स्वर्गलोक में है, ऐसा क्यों? तब युधिष्ठिर कहते हैं, यह सही बात है कि दुर्योधन हमेशा अधर्म की राह पर चल रहा था, लेकिन उसमें एक गुण था, वह हमेशा अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहा और अडिग रहा, जिसके कारण उसे स्वर्ग में स्थान मिला। अब जानते हैं कि उन चारों भाइयों और द्रौपदी को नरक में क्यों स्थान मिला। जैसा कि कहा जाता है, द्रौपदी सबसे ज़्यादा प्रेम अर्जुन से क्या करती थी, जिसके कारण उन्हें नरक में स्थान मिला। और सहदेव अपने आप को सबसे ज़्यादा विद्वान मानता था, नकुल अपने आप को सबसे ज़्यादा सुंदर मानता था, भीम और अर्जुन सबसे ज़्यादा पराक्रमी अपने आप को समझता था, जिसके कारण उन्हें नरक में स्थान मिली। इस महाकाव्य से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अधर्म की राह पर नहीं चलना चाहिए। अगर हम अधर्म की राह पर चलते हैं तो हमें अवश्य ही दुख की प्राप्ति होती है। इसलिए हमेशा धर्म और सत्य की राह पर चलना चाहिए। जैसा कि कहा गया है कि युधिष्ठिर को एक बार एहसास हुआ कि
उसे नरक में स्थान है, क्योंकि उसने एक बार छल किया था। इस तरह से कहा जा सकता है कि हमें हमेशा धर्म की राह पर चलना चाहिए। अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस महत्वपूर्ण व्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें, जिससे समाज में ये महत्वपूर्ण बातें पहुँचे और मानव का कल्याण हो सके। और एक बात कहना चाहूँगा कि कमेंट अवश्य करें, जिससे हमें पता चलेगा कि यह व्यू कहाँ तक सार्थक है। बहुत बहुत धन्यवाद।